हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं बीटेक का जो रेलवेज एयरवेज जो सब्जेक्ट है 7th सेमेस्टर का सिविल का, तो उसका जो यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है क्रीप, उसको कवर करेंगे इस वीडियो में और उसके जो इफेक्ट्स होते हैं वो जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और जैसे कि आप सब लोग देख रहे होंगे कि क्रीप, पहला जो पॉइंट है वो हमारा क्रीप है। तो क्रीप जनरली होता क्या है? क्रीप जनरली लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ऑफ रेल्स होता है विद रिस्पेक्ट टू द स्लीपर्स। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल मतलब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ रेल्स विद रिस्पेक्ट टू द स्लीपर्स। लैटिट्यूड मतलब होता है वर्टिकल और लॉन्गिट्यूड मतलब होता है हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जो होता है रेल्स का विद रिस्पेक्ट टू स्लीपर्स, इसी को हम क्रीप बोलते हैं। और जो इसके कुछ इफेक्ट्स होते हैं, जब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा है रेल्स का क्रीप के साथ, तो इसकी वजह से कुछ इफेक्ट क्रिएट होते हैं। वो कुछ इफेक्ट जो जनरली होते हैं वो होता है स्लीपर्स आउट ऑफ स्क्वायर, एक्सपेंशन ऑफ गैप्स गेट डिस्टर्ब, डिस्टॉर्शन ऑफ पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स, डिफिकल्टी इन चेंजिंग रेल्स, इफेक्ट ऑफ इंटरलॉकिंग, पॉसिबल बकलिंग ऑफ ट्रैक। तो ये 6 पॉइंट्स है जो इफेक्ट्स होते हैं क्रीप के। और जो पहला इफेक्ट होता है वो जनरली होता है स्लीपर्स आउट ऑफ स्क्वायर। तो ये जो स्लीपर्स आउट ऑफ स्क्वायर क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो हमारे स्लीपर्स होते हैं वो जनरली अपनी पोजिशन से मूव आउट कर जाते हैं, अपनी पोजिशन से हट जाते हैं। किसकी वजह से? क्रीप की वजह से। तो पहला पॉइंट जो हो गया स्लीपर्स आउट ऑफ स्क्वायर में, वो ये हो गया कि स्लीपर्स की जो स्लीपर्स जो अपनी पोजीशन में होते हैं वो मूव आउट कर जाते हैं। दूसरा जो है, जो हमारी गॉज डिस्टेंस होती है दो रेल्स के बीच में, जो गॉज डिस्टेंस होती है और जो ट्रैक का अलाइनमेंट होता है वो क्या होता है, वो चेंज हो जाता है। और जिसकी वजह से जो हमारी राइड्स होती हैं अनकंफर्टेबल हो जाती हैं, अनप्लीजेंट हो जाती हैं, अनकंफर्टेबल हो जाती हैं और अनप्लीजेंट राइड्स हो जाती हैं। और एक्सपेंशन किसका? गैप्स का ग्रेट डिस्टर्ब। तो एक्सपेंशन किसका? गैप्स का जो हो जाता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। किस तरीके से? कि जो मान लीजिए जो हमारा रेल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या होता है, कई जगह पे आ जाते हैं क्लोज और कई जगह पे जो हो जाता है हल्का सा माइनर डिफेक्ट जो हो जाता है वो हल्का सा बढ़ जाता है। तो कई जगह पे वाइडन हो जाती है और कई जगह पे हमारी क्लोज हो जाती है। तो जो एक्सपेंशन ऑफ गैप्स जो होता है वो हमारा इसकी वजह से डिस्टर्ब कर जाता है। और दूसरा चीज ये हो गया कि दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट ये था, दूसरा पॉइंट ये है कि जो हमारा जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस जो जेनरेट होता है फिश प्लेट्स और बोल्ट्स में, फिश प्लेट्स और बोल्ट्स। तो फिश प्लेट्स कहाँ पे लगाई जाती है? जब दो रेलों को ज्वाइंट करा जाता है, तो जो स्ट्रेस वहां पे जो क्रिएट होता है फिश प्लेट्स और बोल्ट्स में, तो उसकी वजह से जो हमारी स्मूथ वर्किंग होती है रेल की वो नहीं हो पाती। ठीक है, तीसरा पॉइंट डिस्टॉर्शन ऑफ पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स। तो जो पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स है इस पर इफेक्ट पड़ता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, अगर मान लीजिए हमारा जो क्रीप है, क्रीप जो है वो एक्सेसिव है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये डिफिकल्ट हो जाता है टू मेंटेन द करेक्ट गॉज एंड अलाइनमेंट ऑफ द रेल्स। तो ये काफी डिफिकल्ट हो जाता है अगर हमारा क्रीप एक्सेसिव है, ज्यादा है, माइनर मेजर में है, तो उसकी वजह से जो करेक्ट गॉज डिस्टेंस है और जो अलाइनमेंट है उसको वो मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। डिफिकल्टी इन चेंजिंग रेल्स, जो डिफिकल्टी किसमें आती है, चेंजिंग रेल्स में। तो डिफिकल्टी इन चेंजिंग रेल्स कैसे आती है, ये डिफिकल्ट हो जाता है कि न्यू रेल्स जो है वो कई बार शॉर्ट हो जाती है और कई बार लॉन्ग हो जाती है। तो जब रेल्स को चेंज करना होता है तो वो चेंज करने में डिफिकल्टी क्रिएट करती है, क्योंकि जो न्यू रेल्स जो होती है वो या तो शॉर्ट हो जाती है या तो लॉन्ग हो जाती है। किसकी वजह से? क्रीप की वजह से। ठीक है, इफेक्ट ऑफ इंटरलॉकिंग, ये भी क्रीप की वजह से होता है। इसमें क्या होता है, जो पॉइंट्स और क्रॉसिंग्स होती हैं वो इफेक्ट होती हैं इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म से और क्रीप की वजह से। ठीक है,
मतलब कि इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म जो होता है पॉइंट्स और क्रॉसिंग्स का, वो क्रीप की वजह से इफेक्ट होता है। ये फिफ्थ पॉइंट है। सिक्स्थ पॉइंट क्या है? सिक्स्थ पॉइंट में ये कह रखा है कि पॉसिबल बकलिंग ऑफ ट्रैक। तो बकलिंग जनरली क्या होता है? कंप्रेशन होता है किसी स्ट्रक्चरल मेंबर का विद रिस्पेक्ट टू इट्स लेंथ, ठीक है। तो उसकी तो ये कंप्रेशन इसको हम बोलते हैं, एक तरीके से हम इसको अ मोड ऑफ फेलियर भी बोलते हैं। और जो कंप्रेशन होता है किसी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट का, उसकी लेंथ की रिस्पेक्ट में होता है, और वो एक तरीके का फेलियर होता है, और उस फेलियर को ही हम बोलते हैं बकलिंग। तो पॉसिबल बकलिंग ऑफ ट्रैक, तो पॉसिबल फेलियर ऑफ ट्रैक, तो बकलिंग की जगह आप पॉसिबल फेलियर ऑफ ट्रैक भी यूज करके बोल सकते हैं कि अगर क्रीप हमारा एक्सेसिव है, क्रीप हमारा एक्सेसिव है, तो जो मेंटेनेंस जो होगा ट्रैक का वो नहीं करा जा सकता, ठीक है, अगर हमारा फेलियर एक्सेसिव है, ठीक है। तो सिक्स पॉइंट ये हो गया, और ये कुछ इसके इफेक्ट्स हो गए। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी कॉजेस जानेंगे कि कॉजेस के किस वजह से क्रीप क्रिएट होता है। तो ये वीडियो यहीं तक, और मुझे पता है कि आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको ना समझ में आया हो तो प्लीज कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू वेरी मच।